एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल ट्यूबर। और आज का हमारा टॉपिक है मोंटॉक्स टेस्ट। मोंटॉक्स टेस्ट को हम एमएक्स टेस्ट भी कहते हैं और इसको हम पीपीडी टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, कैसे किया जाता है और इसके रिजल्ट्स को हम कैसे देख सकते हैं, यही सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पीपीडी टेस्ट, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया मतलब टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, टीबी जो डिजीज़ है, उसके लिए इस टेस्ट को कराया जाता है। अब टीबी हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकती है। मींस टीबी दो तरीके की होती है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में शरीर के और हिस्सों में, मतलब लंग्स को छोड़ के शरीर के और हिस्सों में टीबी होती है। अगर टीबी के लक्षण कुछ पेशेंट में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बुखार आना, वजन का कम होना, भूख ना लगना, ये सारे जो लक्षण होते हैं वो टीबी के होते हैं। अगर ये टेस्ट पेशेंट के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को टीबी हो सकती है। उन केसेस में ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। इसमें ये ट्यूबरक्लिन का टेस्ट भी कराया जाता है, मोंटॉक्स टेस्ट भी कराया जाता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में इजीली सस्पेक्ट नहीं किया जा सकता कि टीबी शरीर के कौन से हिस्से में है, इसलिए बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। एमएक्स टेस्ट कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है टीबी के लिए, और भी टेस्ट के साथ इसको कंसीडर किया जाता है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये टेस्ट कराया क्यों जाता है। अभी हम देख लेते हैं कि इस टेस्ट को करते कैसे हैं। एक्चुअली ये जो टेस्ट है वो ब्लड से रिलेटेड टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट में प्योरीफाइड प्रोटीन या फिर कहो ट्यूबरकुलिन रिएजेंट, जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, टीबी का जो बैक्टीरिया है, उसकी प्रोटीन को हमारी स्किन में इंसर्ट किया जाता है बाय द नीडल। टेस्ट कोई ब्लड से रिलेटेड टेस्ट नहीं है। इसमें सिंपली जो प्रोटीन होती है हमारी स्किन में इंसर्ट कर दी जाती है और उसकी रिएक्टिविटी को चेक किया जाता है 48 आवर्स के बाद। हमारे हैंड की स्किन में इसका रिएजेंट को इंसर्ट किया जाता है नीडल के थ्रू और चेक किया जाता है। दो दिन बाद देखा जाता है कि वहाँ पर क्या रिएक्शन हुई है, या फिर रेडनेस या जो स्वेलिंग आती है उसको चेक किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके रिजल्ट्स को कैसे कंसीडर किया जाता है। आई रिपीट अगेन, ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है फॉर ट्यूबरक्लोसिस, इसलिए इस टेस्ट को अगर पॉजिटिव भी आता है तो हम कंसीडर नहीं कर सकते कि पेशेंट को टीबी है, कन्फर्म हम नहीं बता सकते। इसमें रिजल्ट्स कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे आपका जो रिएक्शन आपकी बॉडी पे, आपकी जो स्किन है उस पर हुई है, तो ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फाल्स पॉजिटिव और फाल्स नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स हमारे हो सकते हैं। अब नेगेटिव में कहें तो नेगेटिव का मतलब ये है कि कभी आपकी बॉडी में आप टीबी बैक्टीरिया से एक्सपोज नहीं हुए हो, ना ही आपकी बॉडी में कभी बैक्टीरिया गया, ना ही आपका जेनेटिक्स से ऐसा कोई रिलेशन चला आ रहा है, तो इसलिए आपका रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव आएगा। और पॉजिटिव आता है तो इसका तो मतलब यही है कि आप टीबी के बैक्टीरिया से एक्सपोज हो चुके हैं और आपकी बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया है। अब कभी कभी किसी के केसेस में ज़रूरी भी नहीं होता कि टीबी का बैक्टीरिया हो और आपका रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव आ जाए। अगर आपको टीबी भी है, अगर और टेस्ट्स के द्वारा आपका टीबी सस्पेक्ट कर लिया गया है और मोंटॉक्स टेस्ट ऐसा है कि वो आपको बता देगा कि आपको टीबी नहीं है, इसलिए ये टेस्ट कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। इसमें कभी कभी रिजल्ट जो है हमारे फाल्स नेगेटिव आते हैं, टीबी पेशेंट को होती है और जो ट्यूबरक्लोसिस का हमने जो टेस्ट लगाया है, जो हमने मोंटॉक्स टेस्ट किया है, उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है, ना ही वहाँ स्वेलिंग आई है, ना ही वहाँ रेडनेस आया है, तो हम कहेंगे कि पेशेंट को टीबी नहीं है। लेकिन पेशेंट को टीबी होती है, इसीलिए इसको और टेस्ट के साथ साथ कंसीडर किया जाता है। इस टेस्ट के अकेले बेसिस पर हम नहीं कह सकते कि पेशेंट को टीबी हो सकती है। यही था आज का छोटा सा इंट्रोडक्शन ट्यूबरकुलिन या फिर पीपीडी टेस्ट के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।